तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवनसा न्यूज पे। तो जैसे कि जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के तहत आने वाले सलोनी बाजार से जो है सेना के जवान राजकुमार जी वो शहीद हो गए हैं। हालांकि ये सेना के जवान राजकुमार जी जम्मू कश्मीर में तैनात थे, जहां पर जो है इनको किसी काम से जो है रुड़की जाना पड़ा, सेना के काम से संबंधित वहां पर जो है एक सड़क दुर्घटना में जो घायल हो गए। लेकिन उपचार के दौरान जो है अस्पताल में जो है इन ये शहीद हो गए। उसके बाद जो है वो आज इनका पार्थिव देह जो है कल शाम को घर पर पहुंचा था। उसके बाद जो है आज इनका जो है सैन्य सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम इस पूरे यात्रा में आपको साथ में ले के चलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस स्ट्रीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हम आपके बीच में बने रहें। और अभी देखिए पूरे सैन्य सम्मान के साथ जो है वो यहाँ से जो है अभी इनकी सेना का जो नारेबाजी भी यहाँ पे लोग जो है राजकुमार शहीद रहेगा अमर रहेगा के नारे जो है यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको पूरा लाइव स्ट्रीम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस अवसर पर जो है SDM बड़सर शशिपाल शर्मा जी भी मौजूद हैं, साथ में जो है विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो आप हमारे इस लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हम इस अंतिम यात्रा में आपको लेके चलेंगे। क्योंकि सेना के साथ जो हमारा लगाव है वो सभी का लगाव जो है वो काफी होता है, क्योंकि सेना की वजह से ही जो है हम लोग जो है यहाँ पे जो है अपने जीवन से जी रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम के साथ जो है हम आपको यहाँ पे लेके चलेंगे इस पूरी यात्रा में, आप हमारे साथ बने रहें। अरे माता जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज ये मैं कर ये मैं कोई नहीं पानी करना पीना ही नहीं चाहता।
ना बिना सैट लाइव कर देना मैडम फाइनल मोबाइल पर फोन करी तू लाइव कर दे तो ये जो जवान है राजकुमार जी 2007-08 में सेना में भर्ती हुए थे, ये अपने पीछे एक बेटा और बेटी और पत्नी को छोड़ के गए हैं। तो हालांकि इन्होंने अगले साल जो है सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उससे पहले ही जो है कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, तो आज यहाँ पे जो है राजकुमार जी शहीद हो गए हैं। आज उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा यहीं पे। तो अभी इनकी अंतिम यात्रा यहाँ पे पहुँच चुकी है सलोनी बाज़ार में, तो आप भी इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हम आपको यहाँ पे लाइव लेके चल रहे हैं। इस हमारा प्रयास रहेगा अगर कहीं भी नेट की अगर दिक्कत ना हुई सिग्नल की, तो हम आपको इस यात्रा में लाइव लेके चलेंगे। इस पूरी यात्रा में आप हमारे साथ में बने रहें।